नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के झंझारपुर से आ रही है, जहां जानकी विवाह भवन के सभागार में जदयू द्वारा भीम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। आज रविवार को जनता दल यूके द्वारा जानकी विवाह भवन के सभागार में भीम संवाद भीम चौपाल का उद्घाटन करते हुए सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उनके विचार एवं उनके सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने को लेकर जनता दल यू हर गांव, हर प्रखंड व हर शहर तक भीम चौपाल का आयोजन करेगी। आम लोगों को भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए मार्ग पर अनुसरण करते हुए जनता दल यू समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम करेगी। बिहार विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है, बाबा साहेब के सिद्धांत को अपनाने की जरूरत है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दशई चौधरी, स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल, मंत्री शीला मंडल, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, विधायक अमन भूषण हजारी, अश्मित ऋषिदेव आदि मंजर सेन नेताओं ने कहा कि भीम चौपाल के माध्यम से समाज को एक सूत्र में बांधना है। जनता दल यू समाज के हर तबके को एक साथ लेकर चलती है। भीम चौपाल कार्यक्रम की अध्यक्षता राम नरेश चौपाल एवं मंच संचालन वीरेंद्र नारायण भंडारी ने किया। इस अवसर पर गुंजन कर्ण, फूले भंडारी, सत्येंद्र कामत, अनूप कश्यप, दिलीप भंडारी, संजीव झा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। जा पाते थे, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता था, लेकिन आज हर पंचायत में, हर प्रखंड में स्कूल कॉलेज खुल गया है, जिसकी वजह से सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम का वो सफल होगा और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने यहाँ पे कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, सब लोग बखूबी इस बात को समझेंगे और बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसको लाइटली नहीं लेना है, सब लोग हृदय से, सब लोग अपना है, अपना बन करके प्यार देना है, सम्मान देना है, तब सब लोग का प्यार एक होगा, तो अमन चैन शांति जो लक्ष्य है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो लक्ष्य भी हमारा पूरा होगा। कि यहाँ सब मुख्यमंत्री जी के देवे ने प्यार करवे ना सब कोई, हाँ तो क्या करता ही होगा, सब पे मानो ने खाली हंसवे करवे, मानवो करवे ने हंसे के ने सब पे ने इतने खुश रहू, मस्त रहू। जब तक मुख्यमंत्री जी रहतीन, ककरो चिंता करे के जरूरत नहीं छे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भीम। और अभी हमारे साथ किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शीला मंडल जी हैं। मैम, 2024 का चुनाव सामने आ रहा है और नीतीश कुमार पर विपक्षियों का कहना है कि एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि आपको कौन क्या बोलता है उसका कोई हम कटाक्ष नहीं करेंगे। सब लोग को अपना अपना कर्म करने का अधिकार है, हम लोग भी अपने कर्तव्यों पर अडिग हैं कि हम लोग जीत कर दिखाएंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 100 सीटों पर सिमटा करके रख देंगे। नीतीश कुमार, आप लोगों ने सुना कि शीला मंडल जी का क्या कहना है और उन्होंने तमाम लोगों से अपील किया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को लाइए और अखिलियतों पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, जिस राजनीति पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो सुधार नहीं हो रहा है अखिलियतों पर, नीतीश कुमार को जिताइए और महागठबंधन सरकार को लाइए, ये शीला मंडल जी का कहना है। और ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज के साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं, चैनल को पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर हम लोग सब लोग एक दूसरे को बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो किया हुआ बिहार में है, उसी का परिणाम है कि आज बिहार चहुमुखी विकास कर रहा है। आज देखिए कि बिहार के लोग कल तक कहीं जाते थे किसी राज्य में क्या परिस्थिति था, लोग उसको हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज लोग को, बिहारियों को गर्व होता है और जब लोग पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो लोग खुशी से कहता है कि हम बिहार से हैं। अरे ओ नीतीश कुमार जी, तो ये परिवर्तन है या समाज में और बिहार में। आज एक बिहारी 100 पे भारी हो जाए, बिहारी में तो जान लियो इतने टैलेंटेड है कि मल्टी टैलेंटेड होता है बिहारी में। एक बिहारी तभी तो कहा जाता है कि 100 पे भारी। देख लीजिए कोविड के टाइम क्या हुआ, अगर बिहारियाँ, बिहारी लोग सब आ गए तो क्या हुआ, सब लोग का एट्रिक फैट्रिक सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि हमारे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही जो काम को करते हैं दिल से करते हैं और सब काम कर सकते हैं, खेत भी जोत सकते हैं, हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, ट्रेन भी महिला चला सकती है। तो एक एक चीज आप माननीय मुख्यमंत्री जी जान लीजिए कि आज जो बिहार के लिए किए हैं, आप महिलाओं के लिए किए हैं कि आज देख लीजिए महिलाएं कितना है, 1,30,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ी है। और आज सोच लीजिए जो जीविकाएं बना उसके कारण आज कितने के घर में चूल्हा जल रहा है,
अरे कहता उजला योजना कौन उजला योजना, कोनो उजला योजना नहीं। सिलेंडर सबके फेंका गए, जो 400 के सिलेंडर रहे 1200-1400 में मिले थे, तो कौन उजला योजना भ गए कारी योजना। तो ये सब है, अब समझने की बात है। और संविधान तो जान लीजिए, हम लोग के लिए बाबा साहब का जो किया हुआ है वो ऐसा अम्ल है, उनके बारे में क्या कहना है। कि हम इस काम को कर सकते हैं तो जरूर कर सकते हैं। बाबा साहब के साथ सोचिए कि कितनी तरह की पीड़ाएं हुआ उनको, उनके साथ तरह तरह की बाधाएं आई, लेकिन बाबा साहब कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। इसीलिए तो लोग कहता है अभाव में ही प्रभाव होता है। ये क्या था, गरीब के बच्चों को चौथा पांचवा पढ़ने के बाद बेटियों को कपड़ा नहीं रहता था ठीक से, बेटियां स्कूल 9th-10th में नहीं जा पाती थी, तब उनको लगा कि इतना छोटी बात को समझे एक पिता के जैसा। उन्होंने इस बात को समझा और सोचा, उन्होंने क्या किया, पोशाक योजना की व्यवस्था की। अब लगा कि दूरी के कम साइकिल योजना की व्यवस्था की। अब लगा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था की कि किस कारण से बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो समाज में आज देख लीजिए, जो पहले क्या था कि नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार के नहीं भारत का भी विकास करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही हरियाली आया है, 2014 से भी पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। अब तो नहीं है ना, 2014 के बाद कहता कि सोना चिड़िया, उससे पहले कहा जाता। आप कुछ भी कीजिए आप, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रतप नहीं कर सकते। ये मैं भाजपा के लोग को समझाना चाहता हूं, आप सिर्फ गरीब को जो है मजाक उड़ाना पसंद करते हैं। आप कभी सोचे हैं कि गरीब किस तरह से, जब गरीब सुबह उठता है तो वो सोचता है कि अगला जो है हम खाना कैसे खाएंगे। ये है, और सबको गैस चूल्हा मिला केंद्र सरकार से, मिला ना, तो केंद्र सरकार से गैस चूल्हा सिर्फ मिला, लेकिन आज वही सिलेंडर का दाम जो है बढ़ा करके 1200 कर दिया। अब गरीब आदमी जिसको 8 परिवार है वो कैसे चलाएगा, 15 दिन में 1200 रुपया कैसे करेगा। इस चीज को सोचना चाहिए। दूध एक समय में 30 रुपए लीटर खरीदते थे, आज वो 60 रुपए लीटर हो गया, 55 रुपए लीटर हो गया। इस चीज को भी तो हम लोग जानेंगे ना कि आखिर महंगाई कहां से बढ़ रहा है। जो आलू प्याज बैगन जो भी खरीदते, करेला कद्दू, वो सब जो है हमारे जो दुकानदार है वो कहीं दूर से सब्जी लाते हैं, और उसको जो है जब लाने में उनको सफर होने में पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ चुका है, केंद्र सरकार जो डीजल का दाम बढ़ा दिए, वो सारा दाम जो है उन पे इंक्लूड हो जाता है सब्जी पे। इसीलिए बैगन 20 रुपए, बैगन आज 35 रुपए मिल रहा है, आलू 10 का जगह 20 रुपए मिल रहा है। ये सब डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ने से हो रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, ये बात 15 लाख रुपया मैंने नहीं बोला कि दूंगा, मैं ये बोला हूं कि ये जुमला है, ये बोलने का स्टाइल है, भाषण देने का स्टाइल है, अंदाज है। इस चीज को आप लोग समझिए कि हम लोग गरीब हैं, हम बिहार के लोग हैं, हमारे पास तो एक ही गुरूर है कि हम गरीब हैं, ना आपके घर जाएंगे ना आप मेरे घर आइएगा, लेकिन हम किसी तरह जी लेंगे, लेकिन हम गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है। बिहार में लोग कहते हैं कि हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुँचाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।